वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे टमाटर मसाला भिंडी, जो कि बहुत टेस्टी होती है और खाने में ये बनने में भी बहुत जल्दी बनती है और खाने में भी टेस्टी होती है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल भिंडी है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक करें। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी ली है, इसको अच्छे से वॉश करने के एक स्ट्रेनर पर रख दी जिससे इसका जो पानी है वो सारा सूख जाए, और उसके बाद भिंडी को कट कर लिया। देखिए ऐसे लंबाई में मैंने इसको बीच में से कट किया और उसके बाद में इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। बीच में से कट करने का एक फायदा इसमें ये भी होता है कि बीच में अगर कोई कीड़ा वगैरह होता है तो वो भी निकल जाता है, उस पोर्शन को हम निकाल देते हैं और बाकी भिंडी को कट कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए ऐसे भिंडी को कट किया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से कटी हुई भिंडी। अनियंस लेंगे, प्याज इसको ऐसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, टमाटोज हैं, टमाटर, ग्रीन चिली है, हरी मिर्च इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट करा है। मसालों में हम लेंगे धनिया पाउडर, दैट्स कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट है, नमक, क्यूमन पाउडर है, जीरा पाउडर। ये सिंपल क्यूमन पाउडर है यानी कि जीरा पाउडर, इसे मैंने किसी भी तरह से कोई रोस्ट नहीं किया है, बस सिंपली जो जीरा होता है उसको मैंने अच्छा सा उसका पाउडर बना लिया है। फेनल पाउडर है, सौंफ का पाउडर, कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ता और नींबू है, थोड़े से ऑयल का हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करती हैं। देखिए भिंडी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इस स्टेज पर हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसे ऐसे चलाते हुए लगातार हम फ्राई करना है, बस इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हमें फ्राई करना है जैसे प्याज का थोड़ा जो प्याज की रॉ स्मेल है वो निकल जाए। देखिए प्याज अच्छे से थोड़ी सी फ्राई हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और प्याज को एक साइड में कर देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, इसको तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम, इसको प्याज में मिक्स करेंगे। तेल में हल्दी और मिर्च डालने का ये फायदा होता है कि इसकी रोस्मेल भी खत्म हो जाती है और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखी है, बाकी के मसाले भी डाल देंगे, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये मसालों को भूनने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे मसाले अच्छे से भून जाएं, क्योंकि पानी के साथ मसाले भूनने से मसाले का जितना भी कच्चापन होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसके पानी के साथ हम इसे भूनेंगे, फ्लेम हमने हाई पर कर रखी है और मसालों को ऑयल के रिलीज होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल भी जो है रिलीज हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम ये कटी हुई भिंडियां डाल देंगे। इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सौंफ पाउडर भी हम डाल देंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे हम भिंडियों में, क्योंकि बाद में सौंफ पाउडर डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको भिंडियों को थोड़ा सा गलाने के लिए बिल्कुल जरा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम पानी अगर नहीं डालेंगे और भिंडियों को ऐसे ही गलाएंगे तो जो मसाला हमने बनाया है वो जल सकता है मसाला, इसलिए मसालों को जलने से रोकने के लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे कवर कर देंगे, तो भाप में ही भिंडी अपने आप गल जाएगी। तो अब फ्लेम को हमने लो पर कर रखा है और इसे कवर करके रख देंगे बस हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बनती है तो 3 से 4 मिनट में भिंडी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए भिंडी अच्छे से गल चुकी है। अब इस स्टेज पर इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने हाई पर कर रखी है,
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। जैसे हम लगातार ऐसे चलाते हुए तकरीबन एक मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे भिंडी हमारी अच्छे से भुन जाए। देखिए इसको फ्राई करते हुए तकरीबन एक मिनट हो चुका है, ऑयल दोबारा से रिलीज हो चुका है। अब इस स्टेज पर फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। देखिए भिंडी की सब्जी बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने सर्व कर दिया है। थोड़े से हरे धनी और नींबू के स्लाइसेस से गार्निश किया है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, ये भिंडी की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही ज्यादा यम्मी होती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टमाटर मसाला भिंडी आपको कैसी लगी, इसका अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।